बाकी प्रभावित लोगों के बीच 5 लाख का मुआवजा राशि का वितरण हुआ। आपको बताते चले, सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड के हाथी प्रभावित लोगों के बीच 5 लाख मुआवजा राशि का वितरण किया गया है। मुआवजा राशि बानो प्रमुख सेवानी बरजो व बानो वन क्षेत्र पदाधिकारी अभय कुमार ने संयुक्त रूप से इसका वितरण किया। इस अवसर पर प्रमुख सेवानी बरजो ने कहा कि गांव जंगल के बीच है, सावधान रहे, जंगली हाथियों को ना छेड़े। रेंजर अभय कुमार ने बताया कि जंगली हाथियों को ना छेड़े, उनके पास ना जाए, जंगल में आग ना लगाए, लोगों को जागरूक करें कि जंगल को जलने से बचाए। जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे व जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि पिछले दिनों रामजोल निवासी गॉडविन बागी को जंगली हाथी ने मार डाला था। गॉडविन के परिजनों को 4 लाख व ग्राम सोडा के गंभीर रूप से घायल इबितुष सोरेन को 1 लाख मुआवजा राशि सहयोग स्वरूप दी गई थी। सरकार सभी हाथी प्रभावित लोगों को क्षति के अनुसार मुआवजा राशि दे रहा है। अखंड भारत न्यूज के लिए शिवनंदन बड़ाइक की रिपोर्ट, बानो सिमडेगा।